रॉबर्ट संगत के नगरपालिका परिषद में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास युवा कांग्रेस के नेतृत्व में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष विपक्ष के नेता राहुल गांधी को मोदी सरकार द्वारा गुजरात के अपने भाजपा विधायक द्वारा षड्यंत्र पूर्वक मुकदमा कराकर आनन फानन में स्पीकर द्वारा लोकसभा की सदस्यता रद्द किए जाने के विरोध में आज भारतीय युवा कांग्रेस सोनभद्र के आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने जिलाध्यक्ष अमित चतुर्वेदी के नेतृत्व में नगरपालिका स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण के उपरांत वहां पर काली पट्टी बांधकर हाथों में तख्ती लेकर एक दिवसीय क्षत्रिय गया आंदोलन किया, जिसमें कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक स्वर में मोदी के नेतृत्व में अडानी द्वारा 20,000 करोड़ के घोटाले की जेपीसी जांच की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि जब तक जेपीसी जांच की मांग पूरी नहीं होती तब तक चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा। सोनभद्र से जेपी सिंह की रिपोर्ट। साथियों, आज हम लोग रावर्ट्सगंज नगर पालिका परिषद के कार्यालय में गांधी प्रतिमा के समक्ष देश में जो हो रहा है, लोकतंत्र के साथ जो खिलवाड़ मजाक हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उसको लेके माननीय राहुल गांधी जी को जो सदस्यता खत्म करने की बात पार्लियामेंट के अंदर हुई है, हम कांग्रेस जन उसकी घोर निंदा करते हैं। स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह अच्छी प्रक्रिया नहीं है और किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए इस तरह की कार्यवाही जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। और हम कांग्रेस जन इस लड़ाई को अब एक राहुल गांधी के खिलाफ आप मुकदमा किए हैं, 1,000 पूरे हिंदुस्तान में राहुल गांधी पैदा होगा और हर घर में एक राहुल गांधी पैदा होकर आपके खिलाफ आवाज बुलंद करेगा और लड़ेगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। कांग्रेस पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी लगातार मोदी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। आप लोगों को याद होगा कि पिछले 9 सालों में चाहे वो मेहुल चौकसी हो, चाहे वो ललित मोदी हो, चाहे वो नीरव मोदी हो, चाहे वो विजय माल्या हो, देश के वासियों के पैसा लूटकर विदेश भागने का काम किया नरेंद्र मोदी के सरकार में। अगर किसी मंचों से, राजनीतिक मंचों से हमारे नेता राहुल गांधी जी अडानी और मोदी के खिलाफ, ललित मोदी और नीरव मोदी के खिलाफ अगर आवाज उठाते हैं तो उन्हें अपने ही गुजरात प्रदेश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां के विधायक द्वारा उनको फर्जी मुकदमा करा के उनका संसदीय खत्म कराने का जो काम षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है उसका हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, देश का एक एक नौजवान ये जानना चाहता है कि जो 20,000 करोड़ रुपए अडानी के खाते में आए हैं, जो उनके बिजनेस में लगे हैं, वो किस मत से आए हैं, किसके द्वारा आए हैं। ये आवाज राहुल गांधी जी के साथ हम नौजवान साथी हमेशा मिलाते रहेंगे।